हिंदू मुस्लिम एक हैं, लिंचिंग करने वाले हिंदू विरोधी हैं। मोहन भागवत के यही बयान देश की सुर्खियों में छाए हुए हैं। विपक्ष इन्हीं बयानों के बहाने बीजेपी को घेर रहा है। ओवैसी और दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयानों पर सवालों की झड़ी लगा दी। इसी पर आज हम बहस करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मोहन भागवत ने दरअसल में कहा क्या और उस पर घमासान कैसे मचा। हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहां ऐसा नहीं है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के इन्हीं बयानों पर सियासी तूफान मच गया। गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने हिंदुत्व, मुसलमान, लिंचिंग पर खुलकर अपनी बात कही। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है, वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है, 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत के एक एक बयान की चर्चा हो रही है, विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं। भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गलत नहीं। लिंचिंग पर आरएसएस प्रमुख का बयान, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। ओवैसी ने ट्वीट किया, आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुस्त पनाही हासिल है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। मोहन भागवत ने मुसलमानों के नाम भी पैगाम दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच संघर्ष को संवाद से सुलझाने की वकालत की। हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई, मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है, उसकी दूरी हमको पाटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने उस सोच पर भी कटाक्ष किया जो कहती है देश में इस्लाम खतरे में है। भागवत ने उन लोगों को भी सख्त संदेश दिया जो बात बात पर मुसलमानों को भारत छोड़ने की बात कहते हैं। हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हालांकि ओवैसी और दिग्विजय सिंह जैसे संघ के कट्टर विरोधियों ने भागवत की थ्योरी को नकार दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं, वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। भागवत के सुर भले ही बदले बदले लगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं है। इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। इस वक्त देश में भागवत के बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। मुस्लिम धर्मगुरु भागवत के एकता वाले फॉर्मूले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ संकोच के साथ समर्थन। आज जो उन्होंने जिस
देश के अंदर सबको एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल सही बात यही है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। दूसरा, भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। कि देर आए लेकिन शायद दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, कई जाने चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में, ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शहरा, उस शह को आपको ख़त्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है जो रूलिंग पार्टी है, और कानून तो तब अपना काम करेगा ना जब कानून निष्पक्ष हो, उसको पक्षकार बनाकर रख दिया है। दरअसल गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का विषय था हिंदुस्तानी प्रथम, हिंदुस्तान प्रथम। इसी पर मोहन भागवत ने अपनी बात रखी और नया सियासी घमासान छिड़ गया। टीम न्यूज नेशन। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। माजिद हैदरी साहब हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु सूफी कौसर हसन मजीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड से। सबसे पहले माजिद हैदरी साहब, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान खतरे में है? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सबसे पहले तो मोहन भागवत जी का, माननीय मोहन भागवत जी का शुक्रिया कि उन्होंने 6 वर्षों के जुल्म के बाद, जुल्म जबर के बाद जो भारत की माइनॉरिटीज पे हुआ, बिलखसूस मुसलमानों पे हुआ, कि गौ रक्षा के नाम पे उनकी हत्या की गई, उन्हें सीएए से अलग किया गया, उनके साथ हर जगह सौतेला व्यवहार किया गया, फाइनली मोहन भागवत जी बोले। उनने बात तो की लेकिन कुछ बात उनने फिर से गलत की। उनने फिर से बात की, हिंदू राष्ट्र का शब्द उनने इस्तेमाल किया। हिंदू राष्ट्र का शब्द एक सेक्युलर राष्ट्र में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कानून के खिलाफ है। यही तो बात है, जब हम मुसलमान बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं जी मुसलमान अपनी खिलाफत की बात करते हैं, बाकी चीज की बात करते हैं यहाँ, लेकिन आरएसएस खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करती है। ठीक है, हम तो कभी कोई खिलाफत की यहाँ बात नहीं करते, हम तो इस्लामिक स्टेट की बात नहीं करते, लेकिन मोहन भागवत जी बात करते हैं। सवाल का जवाब और 6 वर्षों के बाद बात करते हैं। जो सवाल मैंने सबसे पहले आपसे पूछा, ईमानदारी से उसका जवाब, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान को डर लगता है? क्या इस्लाम खतरे में है हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, है ही बिल्कुल है। ओपनली हमें धमकी दी जाती है, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, कोई मुंह से जेर जबर की गलती हो गई तो चलो इसको पाकिस्तान भेजो, हम इतने असुरक्षित हैं जितने हम कभी नहीं। माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, दिखाते हैं जरा। यूनिटी इन दिस बैटल डिस्पाइट ऑल आवर कंस्ट्रेंट्स we have tried to share as much as possible with the world, and we remain eager to learn from global practices. Friends, technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. Friends, vaccination is the best hope for humanity to emerge successfully from the pandemic. And right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy,
such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. You will find out a lot more about the technical details in the conclave today. I'm sure you are keen to start, and I do not want to keep you waiting. So, let me conclude by extending my best wishes to all of you for a very productive discussion today, guided by the approach of one earth, one health. Humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you very much. तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों के विशेषज्ञों के शामिल होने से ज्यादा खुशी है. हमें एक दूसरे से सीखना होगा कोविन के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर. तकनीक एक बड़ा हथियार है. कई अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहीं. एक बार फिर लौटते हैं आज के अपने मुद्दे पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं संघ प्रमुख के बयान और उसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस की. माजिद हैदरी, जिनको सुना आपने, अवनिजेश अवस्थी साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम को भी खतरा है, मुसलमान को भी खतरा है. क्या वाकई ऐसा है क्या? माजिद हैदरी साहब को मैं ये इतना बताना चाहूंगा कि कश्मीर की घाटी से, वैली से, जो 5 लाख हिंदू परिवार भगाए गए बलात्कार, हत्या, लूट के आतंक से, वो किसके डर से निकले थे? और 370 हटने से पहले तो ये माजिद हैदरी ये भी नहीं कहते थे कि मैं भारत का हूं. नेशनलिस्ट मेरी, हम कहते थे कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा? पासपोर्ट कोई भी हो, मैं कश्मीरी हूं, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, ये सब कहते थे. ये आज इनके बोलने की बात आई है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं पूरे देश में जहां भी हिंदू मेजोरिटी में है, वहां पर एक भी मुसलमान कहीं कोई खतरे में दिखाई देता है? कहीं कोई खतरे में नहीं. और सरसंघचालक जी ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि हिंदुत्व की पहचान ही यही है. हम सब हिंदू लोग अत्यधिक सहनशील हैं. हिंदुत्व है जिसके भीतर अगर कोई आपराधिक कृत्य करता है तो वो अपने आप को हिंदुत्व हिंदू नहीं कह सकता है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन अवनिजेश जी, फिर ये पाकिस्तान जाने की सलाह बीते सालों में कौन दे रहा था और क्यों दे रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे हिंदुस्तान में रह करके,
जिनके अंदर जिनके दिमागों में आज भी पाकिस्तान बचा हुआ, पाकिस्तान का झंडा लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उनको क्या रहने का हक है यहाँ पर हिंदुस्तान? यही तो संघ मुख के बयान के बाद क्या माजिद हैदरी को आप नसीहत देंगे कि वो पाकिस्तान चले जाएं? या स्थितियां बदल गई हैं संघ मुख के बयान के बाद? ऐसा है मैं कोई सलाह देने वालों से नहीं हूँ। नंबर एक बात, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो लगाए ना वहां जाकर के, हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं? आप पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, बड़ी खुशी से लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, हिंदुस्तान का झंडा जलाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल, माजिद हैदरी सुन रहे हैं आपको, मैं उनसे जवाब लूंगा। सूफी कौसर हसन मजीदी साहब, मगर मुझे तो ऑडियो ही नहीं आ रहा। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, अगर संघ प्रमुख इस बात को कहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हर भारतीय एक है, इसका तो स्वागत होना चाहिए बात का, या इस पर भी विरोध होगा? देखिए, राजनीति से हट करके जो बात है और धार्मिक इसको महत्व न दिया जाए, तो जो अध्यात्म है वो अध्यात्म यही कहता है कि केवल भारत ही क्या बल्कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका सबका डीएनए एक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये देश अशफाकुल्ला खां वारसी रहमतुल्लाह अलैह और रामप्रसाद बिस्मिल को क्यों भूल जाता है? हम लोग उसी परंपरा के लोग हैं कि जहां पर अशफाकुल्ला खां वारसी और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग देश के लिए संघर्ष करते रहे, आज अगर उसी माहौल को बनाने की बात हो रही है, भारतीयता को बढ़ाने की बात हो रही है, तो ऐसे बयान का स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बयान दिया गया और इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का पैगाम देने का कोई मौसम नहीं होता। मजीदी साहब, संघ प्रमुख अगर कहते हैं कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक समान हैं, मोहब्बत का पैगाम तो कभी नहीं दिया जा सकता। क्या कोई फैक्चुअली बात गलत कहते हैं संघ प्रमुख? नहीं नहीं, इसमें तो कोई दायरा नहीं, मैं तो इस बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, भारतीय क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए एक है, और उनको उन्होंने जो बाकी जो बात की है, जो लिंचिंग पर उन्होंने कहा है अपराध माना है और उस पर कार्रवाई की बात की है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए, हम सबको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और अपने देश को एक ऐसे रास्ते पर देना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु सदियों से है, आध्यात्म में हमारा देश विश्वगुरु है और अब हमको इतनी मेहनत करनी चाहिए, एक दूसरे में विश्वास पैदा करना चाहिए ताकि हम हर मामले में विश्वगुरु बने। चेतनानंद सरस्वती, अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये जो हिंदुत्व का कट्टर चेहरा है इसको तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता रहा है उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो हिंदुत्व को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर सामने रखती हैं। जी अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, आज बंगाल देख लीजिए, आज वेस्टर्न यूपी देख लीजिए, या चार वर्ष से योगी जी की सरकार है तब यहाँ परिवर्तन दिखाई देता है, नहीं तो सड़कों पर बच्चियों के दुपट्टे खींच लिए जाते थे, उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आई? ये मानसिकता जब तक छोड़ी नहीं जाएगी तब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं बढ़ सकेगा। हम सनातनियों ने तो सदैव खुले दिल से स्वागत किया, आक्रमणकारी जो भारत में रह गए उनका भी हमने स्वागत किया, उन्हें भी गले लगाया, लेकिन ये नीति एक तरफ से कभी नहीं चल सकेगी, दोनों तरफ से जब तक पहल नहीं होगी तब तक एक तरफा नीति कभी कामयाब नहीं होगी, ये असंभव है। लेकिन अवनिजेश जी, संघ प्रमुख के इस बात के बाद कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं ले जा सकते, ये समझना होगा कि पहलू खान अखलाक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों से खुद को अलग करना होगा? अवनिजेश जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं आपको साफ बात बताऊं, लिंचिंग सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं हुई है, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक लिंचिंग पर श्वेत पत्र जारी करे जिसमें लिंचिंग के जो शिकार हुए हैं उसमें अधिसंख्यक संख्या बहुसंख्यक हिंदुओं की है, लेकिन पूरा एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया
कि जैसे मान लीजिए सिर्फ मुस्लिम की लिंचिंग होती है, हम सरसंघ चालक जी ने यह जरूर कहा कि वह हिंदुत्व नहीं हो सकता क्योंकि लिंचिंग की परंपरा अवधारणा ही हिंदुस्तान में नहीं है। सर मैं वही समझना चाह रहा हूं, मार करके पत्थर मार मार के हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाली लिंचिंग जिन लोगों ने की है संस्कृति में नहीं है, ये भारत की संस्कृति में ही नहीं है लिंचिंग। वो हिंदू जिन्होंने लिंचिंग की है, जिन पर आरोप लगा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे संघ प्रमुख के बयान के बाद? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि वे लोग अपराधी, उन्होंने कहा ना उनको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। अंकित सक्सेना, अंकित सक्सेना की, अंकित सक्सेना हो, दिल्ली के दंगों में जिन्होंने छत पर गुलेल लगाई थी, ठीक है यदि मैं आप कुछ कह रही हैं, कहिए, मैं माजिद हैदरी साहब के पास जाऊंगा। अनुराग जी मैं ही कह रही हूँ, लिंचिंग की एक जगह तो बताइए जहाँ हिंदुओं ने लिंचिंग की हो। पालघर में साधु मार दिए गए, क्या वो लिंचिंग का हिस्सा नहीं थे? ध्रुवराज त्यागी को गेंद के मार दिया गया, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? जैसे तमाम तारीखें और जगह आप बता रही है वैसी टाइमलाइन माजिद हैदरी के पास भी होगी, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ खबरें आपको बताएंगे। जी अवनीश जी, ऐसा है कि लिंचिंग की जितने भी है उसमें से अधिकांश घटनाएं आप देखते हैं कि बाद में मालूम चला कि वो आपसी झगड़ा था। अभी गाजियाबाद लोनी की घटना में आपने सामने देखा, जुनैद की घटना आपने देखी, लेकिन खेताराम के बारे में कोई नहीं जानता, अंकित शर्मा के बारे में कोई नहीं जानता, दिल्ली के दंगों में एक आईएस इंटेलिजेंस के अफसर को जिस तरीके से 58 चाकुओं के वार से मार दिया गया उसके बारे में आज तक माजिद हैदरी नहीं बोले, और ऊपर से उनको बचाते हैं जिनके घर पे गुलेल लगी हुई थी। माजिद हैदरी आप सुन रहे हैं, अवधेश अवस्थी को कह रहे हैं कि देखिए आज भी अबू काश्मी ने क्या कहा, हिंदुओं ने तो लिंचिंग की नहीं है, और अगर ऐसी कोई खबर सामने आई भी है तो उसका नैरेटिव दूसरा था, सच्चाई कुछ और थी। क्या संघ प्रमुख के इस बयान के बाद स्थितियां कुछ बदलती आपको नजर आती है माजिद हैदरी? चलिए लगता है माजिद हैदरी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अवधेश जी संघ प्रमुख के इस बयान के बाद क्या स्थितियां कुछ बदल पाएंगी? क्या वो जो कट्टर हिंदुत्व का नैरेटिव सेट किया जाता है या फिर उस तरीके के बयान दिखते भी हैं हिंदुवादी नेताओं के स्तर पर, उनसे थोड़ा परहेज किया जाएगा आने वाले वक्त में? ऐसा है, बिल्कुल साफ सी बात कर, कट्टर हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कट्टर हिंदुत्व नाम की, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, ये बयान उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि भारतवर्ष में हिंदुओं से हमें भय है, आतंक है, ये उनके लिए है कि भारतवर्ष में रहते हुए किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का धर्म के आधार पर कभी कोई किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं हुआ। ठीक है मजीदी साहब, मजीदी साहब सियासत सुधरेगी बदलेगी उम्मीद आपको नजर आती है? सवाल मुझसे जी मजीदी साहब। देखिए इन बयानों से तो लगता है कि कुछ सुधार की उम्मीद है, जी इन बयानों से लगता है कि सुधार की कुछ उम्मीद है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अपराधी को धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? पालघर के साधुओं की लिंचिंग हो या किसी तबरेज की लिंचिंग हो या किसी की लिंचिंग हो, अरे लिंचिंग करने वाला अपराधी है, उसको अपराध के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, उसकी सजा निर्धारित होनी चाहिए। और हम सब लोगों को, मेरी तो मोहन भागवत जी से अपील है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अपील को करें कि इस पर एक कड़ा कानून बनाए। यतिमा मजीदी साहब वाजिब बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपराधी को अपराधी बताइए, हिंदू और मुसलमान मत बताइए। देखिए ये अवधारणा काम कर सकती है जब आप निष्पक्ष रूप से, आप सिलेक्टिव सोच के साथ तरबेज पे शोर मचाते हैं, लेकिन जब ध्रुवराज त्यागी मारे जाते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं, जब रिंकू शर्मा मार दिया जाता है तो मौन रहते हैं, जब लोनी की घटना असत्य साबित होती है तो आप खुले दिल से ये नहीं कहते कि हाँ ये हम लोग गलत एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम लोग तो स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग तो स्वीकार करते हैं लगातार कि अपराधी को अपराधी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और सबको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन पालघर के साधु मार दिए जाते हैं लेकिन कहीं आवाज नहीं उठती, तो फिर एक तरफ से ये सौहार्द का माहौल कब तक बनेगा? ये असंभव है, मैं लगातार कह रही हूँ। लेकिन उम्मीद जरूर बनती है संघ प्रमुख के बयान के बाद, उम्मीद ये कि आने वाले वक्त में समाज में जो सामाजिक दूरियां हैं, धार्मिक दूरियां हैं, वो कम हो सकेंगी, कम से कम जो नैरेटिव है वो बदल सकेगा, सोच के स्तर पर पॉजिटिविटी आ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।